नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्ध गोयत के साथ मैं आप सभी पशुपालक और किसान भाइयों का अपने YouTube चैनल किसान डेयरी फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम गांव बुधावड़ में आए हैं, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा के अंदर ये गांव आता है। तो जैसे कि आप हमारी हर वीडियो में देखते हो कि हमारी हर वीडियो में एक यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे पशु दिखाएँ और उन पशुपालकों के पशु दिखाएँ जिनके पास एक अच्छा पशुधन होने के बावजूद उनकी कोई पहचान नहीं हो पाती, और हम अपनी वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर उन पशुपालकों की पहचान कराने की कोशिश करते हैं और उनको एक ऊंचे लेवल पर ले जाने की काम करते हैं। तो ये जो क्या नाम है भाई साहब आपका, जोगीराम भाई के घर पर हैं, और जोगीराम भाई से इन पशुओं के बारे में हम डिटेल से बातें पूछें। उससे पहले मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं, ताकि जो भी हम अगली न्यू वीडियो लेके आए उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचे। तो सभी अच्छे अच्छे सीमन यूज करके इन्होंने अपने घर पर जो एक मूरा का अच्छा पशुधन तैयार किया उसको हम आज अपनी इस वीडियो में दिखाएँगे। और तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं तो इनकी भी जो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, तो डॉक्टर राजेश शिवाच हैं गाँव बदावड़ से, तो बदावड़ से हैं। तो इन्होंने भी जो नस्ल सुधार के प्रति जो किसानों के लिए जो जागरूकता फैलाई है उसकी भी मैं काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगा। तो एक बार फिर बाद में हम डॉक्टर से भी बात करेंगे। तो उससे पहले हमें जो राजेश भाई के पशु हैं तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो भाई एक बार आप अपना पूरा एड्रेस और पूरा नाम बताइए। नाम जोगीराम जी, पिता का नाम सुभाष है। हाँ, और गाँव बदावड़ है, अपरवाला ब्लॉक। तो जोगीराम नाम है आपका, तो जोगीराम नाम है भाई का और गाँव बदावड़ से। तो जोगीराम भाई, जो है आपके पास जो ये मूरा का एक अच्छा पशुधन आपने जो तैयार किया है, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल से बताएं, इसकी क्या कुछ एज है? इसकी जी 20 महीने की। 20 महीने की, तो 20 महीने की जो एज है, और जो आप देख सकते हैं कि जो कटड़ी ने जो ग्रोथ की है वो काफ़ी शानदार है। तो हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे। उससे पहले मैं जोगीराम भाई से इसे जो ये झोटी है शानदार, इसके बारे में हम बात करें। तो इसकी माँ का क्या कुछ मिल्क रिकॉर्ड है भाई साहब? इसकी माँ का 18 लीटर है जी, खरके भी अंत में था जो पहले में। हाँ हाँ, 16 लीटर है और बाद में 18 लीटर है। तो 18 लीटर इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है। तो आपके घर पे ही है वो? नहीं जी, हाँ जी, वो इसके अपने घर पे ही। तो जो इसकी माँ है वो फिलहाल आपके घर पे है? तो कौन सी है इसकी माँ? इसकी माँ वो है जी, चलो उसके पास। तो ये जो जोगीराम बता रहे हैं कि ये जो इस कटड़ी की माँ है, तो इसने जो सेकंड टाइम में 18 लीटर दूध दिया है, तो कहीं आपने इसका भाई साहब रिकॉर्ड करवाया है? रिकॉर्ड नहीं, हमारे गांव में इतना रुझान नहीं है। ठीक ठीक, तो पशुओं के प्रति जो आपके गांव में है वो जोगीराम भाई का बताना है कि इनके गांव में जो पशुओं के प्रति जो रुझान नहीं है और जो एक नई सोच लेके आए हैं, तो वो डॉक्टर राजेश शिवाच, जो कि एक नई सोच लेके आए हैं और जो पशुओं के प्रति जो सीमन अच्छे सीमन यूज करने की जो जागरूकता फैला रहे हैं, और उसका ही रिजल्ट तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक जो 20 महीने की शानदार जो मूरा नस्ल की जो कटड़ी है, तो उसको आप साफ साफ देख सकते हैं। तो राजेश शिवाच सर, आप एक बार आप आगे आए सर, एक बार आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दियो। मेरा नाम राजेश, हाँ जी, गांव बदावड़। तो सर आपने, आपकी मैं बहुत बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि जो आपने एक युवा पशुपालक को एक अच्छी तरह से जो गाइड किया और एक अच्छा पशुधन उसके घर पर जो तैयार करने के लिए जो आपने उसको उकसाया और उसको जो जोगीराम भाई ने भी अच्छी तरह फॉलो किया, तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके गांव में इसके अलावा कोई और भी ऐसा पशुधन है क्या? नहीं, हमने पहले भी काफ़ी कोशिश की है कुछ अच्छे पशु पैदा करने के लिए। हाँ जी, लेकिन कुछ पशुपालकों को इतना रुझान नहीं है, इतना ध्यान नहीं देते वो इन चीज़ों को। ठीक ठीक, तो जोगीराम भाई से आपकी मुलाकात कब और किस टाइम हुई थी सर? 4-5 साल हो गए इनसे, अभी लगातार टच में हूँ। ठीक ठीक, पूरी तरह फॉलो। यानी कि आप इनके जो फैमिली डॉक्टर हैं? हाँ बिल्कुल, फैमिली। तो बिल्कुल फैमिली डॉक्टर हैं और एक अच्छी तरह जो जोगीराम भाई को गाइड करते हैं और एक अच्छा पशुधन इनके घर पर जो तैयार किया है, तो जो कि इनकी मेहनत से ही ये पशु हम कह सकते हैं कि अच्छी तरह जो इन्होंने गाइड की थी, तो उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ, जो 20 महीने की कटड़ी है। तो कौन से सीमन की सर आपने इसकी जो इसकी माँ थी उसके ऊपर जो AI की थी, तो इसका बाप का पता है कुछ? हाँ, युवराज लोटा है, CRB से ये सीमन। अच्छा, CIRB से आप सीमन लेके आए थे, डायरेक्ट CIRB से लेके आए थे। तो आप सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई इस लाइन में जो कि बुल हैं, बहुत सारे बुल हैं और जिनके बहुत सारे जो फेक सीमन आते हैं, तो वो आप हमारे किसानों को बताएं कि उनको किस कौन सा जो बुल का चयन करना चाहिए और कहाँ से सीमन लेके आना चाहिए जिससे वो
अपने घर पर अच्छा पशुधन तैयार कर सकें। ऐसा है जी, सीमन यदि आपको सीमन प्राप्त करना है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से या HLDB से, वहाँ से सीमन प्राप्त करें। ठीक ठीक। और अपनी खुद की तसल्ली से लेकर आए सीमन। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि CIRB और HLDB से आप वहाँ जाकर डायरेक्ट जाकर मतलब कि सीमन लेके आए, क्योंकि वहाँ पर कम चांस है आपको जो बाहर से जो सीमन फेक सीमन जो मार्केट में आए हुए हैं तो उनसे आप बच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जोगीराम भाई आप आइयो। तो युवराज की ये कटड़ी है। तो भाई साहब जो कहीं आपने इसको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी किया? ठीक ठीक। सिंगवा मदनेड़ी के अंदर हाँ जी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान सिंगवा खास में जो कि इसने प्रथम स्थान पर जो पोजीशन जो इसकी आई थी, तो इसका जो ये प्रथम स्थान का जो कि ये जो फूल आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट भी है। जो सर्टिफिकेट है वो सर वो आप एक बार आप हमारे व्यूअर्स को दिखाने की कोशिश करें। तो ये आप देख सकते हैं जो कि डॉक्टर सर जो हाथ में लिए हुए हैं। तो ये वो कटड़ी है। तो कितनी एज थी सर आपने बताई उस टाइम? 10 महीने की। तो 10 महीने की कटड़ी थी और फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी गांव सिंगवा खास में। तो ये जो आपके छोटे भाई हैं, हाँ जी छोटे भाई, तो ये यहाँ पे जो छोटे भाई हैं इसके, और जो कि ये डॉक्टर सर हैं। और ये आप हम आपको थोड़ा जो नज़दीक से दिखा दें, जो मूरा भैंस पालन कल्याण संघ हरियाणा राष्ट्रीय मूरा पशुधन चैंपियन दिनांक 23 से जो 25 फरवरी के बीच में जो 2018 में हुआ था, तो उसका जो ये प्रमाण पत्र है। तो सुनील जो सर का नाम था और सुपुत्र श्री सुभाष जो इनके पिताजी हैं, गाँव बधावड़ और जिला हिसार, जो बुफेलो फीमेल काफ जो 6 महीने से 12 महीने के जो कैटेगरी थी, तो उसमें जो गांव सिंगवा खास में आयोजित हुई थी, तो वहां पर इस कटड़ी ने जो कि फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो वो काफ़ी काबिल तारीफ है। तो जो हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थान है, और हमारे इन्हीं पशुपालकों की वजह से जो आज हमारा पूरा भारतवर्ष जो 121 मिलियन टन दूध उत्पादन करके जो प्रथम स्थान पर बना हुआ है, तो उसका सारा श्रेय जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको जाता है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि इसकी एज मात्र 20 महीने की है, तो प्रेग्नेंट वगैरह भी आपने इसको है या नहीं है? नहीं जी, प्रेग्नेंट नहीं जी। तो प्रेग्नेंट नहीं है नहीं। तो हिट में आई है? हाँ जी आई है, दो बार हिट में आई है। दो बार हिट में आई है। तो उसके बावजूद आपने सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्यों इसको मतलब कि गर्भधारणी ये डॉक्टर राजेश ने सलाह दी है कि 2-4 महीने बाद और मतलब अभी अब गर्भधारण करा दिया तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ वहीं की वहीं इसकी जो कि ठहर जाएगी। तो जाएगी काफी अच्छी जो कि सलाह मशवरा जो कि डॉक्टर राजेश शिवाच ने इनको दिया है, तो उसी को एक जो कि पशुपालक है तो जोगीराम भाई ने भी उनकी जो सलाह को फॉलो किया है, तो वो काफी काबिल तारीफ है। तो भाई साहब इसका जो मतलब कि आप अगला इसके आगे के बारे में आपने क्या कुछ सोचा है? आगे के बारे में यही सोचा कि आगे भी कोई चैंपियनशिप पशु प्रदर्शनी होगी उसमें हम भाग लेंगे। हाँ हाँ। और आशा करते हैं कि सिंगवा खास की तरह प्रथम पोजीशन प्राप्त करे। हाँ हाँ जी। और अब भी 14 तारीख को एंट्री होगी जगराओ में, ठीक लुधियाना, ठीक ठीक, अब वहाँ पर भी इसको लेके जाएंगे। ठीक। और ये जो टैग दिख रहे हैं आपने, टैग लगवाया है इसका भी, ठीक ठीक, ये अपना जो जजर है जो जज्जर कंपटीशन हो, कंपटीशन उसमें भी भाग लेंगे जी। तो जज्जर कंपटीशन होगा तो उसमें भी आप अपनी कटड़ी के साथ वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये लुधियाना में कब का है सर? ये है जी 15, 16 और 17 का, और 14 तारीख को एंट्री होगी। 14 तारीख को एंट्री होगी 9 से 5 के बीच में। ठीक ठीक, बहुत बहुत। तो जो आज हमने जो कि ये जोगीराम भाई के पशु दिखाए आपको, तो काफ़ी अच्छी जो जोटी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थोड़ा सर एक बार इसको चला के दिखाएं। तो जो पेट पुट्ठा है वो काफ़ी शानदार है जोटी का, और जो जो इसकी जो ये सींगों की बनावट है वो आप साफ साफ देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे मुंह की, और जो लंबी गर्दन है इसकी और बिल्कुल छोटे सींग की कटड़ी है। और पेट पुट्ठा मैं फिर से बोलना चाहूँगा, काफ़ी 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 बहुत ही अच्छा जो पेट पुट्ठा है कटड़ी का, और एक अच्छा जो रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको इस कटड़ी के देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर